इन गुरिला हमलों के नतीजे से अब रक्त चरित्र में एक ऐसा किरदार आया जो राजनीति नहीं रक्त नीति का राक्षस था। नागमणि रेड्डी का बेटा बुक्का रेड्डी। उसने शंकर की कारगुजारियों के बारे में सुन के उसके आदमियों को अजीबोगरीब तरीकों से कत्ल किया। रेड्डी सिर्फ हिंसा का ही प्रतिरूप नहीं था, बल्कि उसने कई औरतों को जात पात धर्म उम्र जगह और वक्त को ताक पे रख के अपनी काम वासना का शिकार बनाया।